जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हमारी जमीन है। हम क्या चाहते हैं? हमारी जमीन है। हम क्या चाहते हैं? हमारी जमीन है। हमारी जमीन है, वापस करो। हमारी जमीन है, वापस करो। राज है और वर्षों से लोकतंत्र के माध्यम से हमारा संविधान जो है वो चल रहा है और लोकतंत्र के साथ यहाँ संविधान में एक बड़ी बात साफ लिखी है कि इंडिया सेकुलर भी है और वेलफेयर हमारा मुल्क है। लेकिन वेलफेयर स्टेट होने के नाते जम्मू कश्मीर में जब से ये मौजूदा सरकार आई है, इन्होंने गरीबों पर तरह तरह के टैक्स, चाहे जीएसटी, चाहे टोल टैक्स या कई तरह के टैक्स थोप करके पैसे इकट्ठे करके पूरे जितने भी हमारे लोग हैं उनके जो काम थे गवर्नमेंट महकमों में, जो काम होते थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे बेच डाले। अब जमींदार के पास एक छोटी सी मजदूरी के लिए अपना पेट, बच्चों का बाल बच्चों का पेट पालने के लिए एक ज़मीन जो बहुत पहले से 1947 के पहले के हमारे गरीब मजदूर जो हैं वो ज़मीन आप टिल कर रहे थे, जोत रहे थे, उससे अपने बाल बच्चों का गुजारा कर रहे थे, जिसको इस सरकार ने सरकारी नाम दे करके वो ज़मीनें वापस ले ली हैं। ये सरासर इन गरीबों की पेट पर बहुत बड़ा प्रहार है। तो यहाँ पंडोरी में हमारे जो किसान भाई हैं, जो लोकल हैं, यहाँ नगरी से अलग अलग गांव से ये लोग इकट्ठे हुए हैं, एक विचार विमर्श है। कल एक हमारा मेमोरेंडम जो हम पेश करना चाहें करने के लिए तैयारी में हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को, जो कि डीसी साहब के थ्रू जाएगा। उसमें हम लोगों ने जो किसानों की, जो यहाँ पे हमारे जो लैंड के अभी तक एक्विजिशन जिनके पास था, जो लोग यहाँ से अपनी रह गुजर, अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, अपने रोज़मर्रा के जो खर्चे थे उनको पूरा करने के लिए खेतीबाड़ी करके इस ज़मीन से ज़मीन का सीना चीर के अगर वो लोग अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, वो ज़मीन भी अब सरकार के ऑर्डर से, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने बाय जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पे लोगों से ये ज़मीनें जो छीनी जा रही हैं, जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिन्होंने फसलें लगाई हैं उनकी फसलें ख़राब की जा रही हैं, उनको उनकी जो राहत पहुँचाने के लिए या फिर उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके जो रोष है, उसको हम लोग एक कागज़ पे लिख के मेमोरेंडम भेजेंगे लोगों के जो प्रतिनिधि हैं हम लोगों की तरफ से, हमारे जो सीनियर्स हैं हम उनकी तरफ से एक भेजेंगे, ताकि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए और जो लॉ एंड ऑर्डर इसकी वजह से बन सकता है उसको टाला जाए। अदरवाइज़ अगर कुछ कल को ये इन लोगों के लिए नहीं कदम उठाते हैं, जहाँ हमारे लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो जम्मू कश्मीर भी तैयार रहे, जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आने वाले जो एक जन सैलाब यहाँ पे आएगा या फिर जो एक आंदोलन यहाँ से चलेगा उसके लिए तैयार रहे। जय भीम, जय भारत।